हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके एग्जाम में जरूर जरूर पूछे जाते हैं खेल मनोविज्ञान से क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के हर एक प्रतियोगी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाते हैं। जो आपके थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी वाला वीडियो है, वह चैप्टर वाइज एक एक वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक चीज को चेक करने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे चैनल से इसी तरह वीडियो पाने के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि वृद्धि और विकास का 0 से 30 साल की उम्र का समय जाना जाता है। तो 0 से 3 साल की उम्र की जो वृद्धि और विकास का काल कहा जाता है, तो कौन सा काल होता है? शिशु अवस्था। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे तेज किसके द्वारा प्रभावित होती है? दोस्तों, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे तेज नेचर और नर्चर के द्वारा प्रभावित होती है। नेचर और नर्चर यानी अनुवांशिकी और वातावरण। नेचर का अर्थ यहाँ पे प्रकृति है और नर्चर मतलब पोषण, यानी प्रकृति और पोषण से सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण हस्तांतरित होते हैं, तो उस अनुवांशिकता के गुण का निर्धारण वास्तविक कौन करता है? जीन्स। डीएनए से जीन्स का निर्माण होता है, जिससे वह अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? तो दोस्तों, जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका के सेंटर में होता है केंद्रक, और उस केंद्रक में होता है क्रोमोसोम्स, जिसमें एक लंबे धागे के समान डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम्स यानी कि जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। यानी क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? डीएनए अणुओं से और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है, जीन्स का संवहन यानी ट्रांसमिशन कब होता है? तो यह गर्भाधान के समय होता है। नेक्स्ट है, पुरुष और स्त्री कोशिकाओं की सेल को संयुक्त रूप से संयुक्त प्रमाणिक नाम क्या कहा जाता है? तो स्त्री और पुरुष कोशिकाओं के संयुक्त प्रमाणिक नाम को बोला जाता है गेमेटस। नेक्स्ट है कि पुरुष की जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है, पुरुष की जनन कोशिका को शुक्राणु यानी कि स्पर्म बोला जाता है। नेक्स्ट है, जीन्स कैसे कार्य करते हैं? तो जीन्स जोड़ों में कार्य करते हैं, जैसे हमारे जो जीन्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों में कार्य करते हैं, यानी कि हमारे स्त्री और पुरुष दोनों में 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 23 जोड़े गुणसूत्र होता है। जोड़ों में पूछेगा तो 23 जोड़े और कुल पूछेगा तो 46, तो 23 जोड़ों में से 22 जोड़े जो है वह समसूत्री विभाजन होता है और 23वां जोड़ी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक नए जीव का उत्पन्न होता है, जिसमें पुरुषों में XY और महिलाओं में XX पाया जाता है। नेक्स्ट है, स्त्री की जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको अंडाणु यानी कि ओवम बोला जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो पुरुष शुक्राणु में XY प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र
होते हैं तो ये होता है एक्स एक्स प्रकार के। नेक्स्ट है जीवन सूत्र किसे कहते हैं, कहा गया है तो जीवन सूत्र क्रोमोसोम्स को कहा गया है यानी जीन्स को। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान एथलेटिक में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन किसका है तो खेल मनोविज्ञान एथलेटिक में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन है जॉन लूथर का। नेक्स्ट है खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है तो खिलाड़ी की मूल प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि उसको खेल भावना से खेलना चाहिए। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, यह कथन किसका है तो खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, यह कथन है के एम बर्न्स का। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, किसने कहा है के एम बर्न्स ने कहा है। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है तो व्यक्तित्व को मनोशारीरिक यानी मन और शरीर दोनों को मिलाकर के व्यक्तित्व बोला जाता है तो मनोशारीरिक रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है लैटिन भाषा में परसोना का क्या अर्थ है तो लैटिन भाषा में परसोना का अर्थ है मुखौटा। नेक्स्ट है स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है तो हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का वर्गीकरण व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है तो यह सामाजिक कारक करता है कि यह व्यक्तित्व इसका कैसा है, अच्छा है या खराब है या किस प्रकार का है, समाज तय करता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था तो दोस्तों कार्ल यंग ने एक्सट्रोवर्ट एवं इंट्रोवर्ट यानी इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी इन दोनों में बांटा था सबसे पहले कार्ल यंग ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है तो अनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले में जीन्स यानी क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है वेशभूषा रहन सहन आहार धर्म भाषा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कौन निर्धारित करते हैं तो कैसे निर्धारित करते हैं वेशभूषा रहन सहन आहार यह सांस्कृतिक रूप से विभाजित करते हैं कि हाँ ये इसका संस्कृति है। नेक्स्ट है अहम शक्ति सामाजिकता हठवादिता इत्यादि क्या है तो ये सब क्या है सील गुण है, क्या है सील गुण। नेक्स्ट है पर्सनालिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं किम्बल यंग। नेक्स्ट है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुआ है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में क्या नहीं आता तो व्यक्तित्व में क्या नहीं आता सूरत शकल नहीं आता है, उसकी ज्ञान कौशल स्किल ये सब आता है। नेक्स्ट है किसने कहा कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है तो इस बात को कहे हैं वेलेंटाइन ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है तो वह है गत्यात्मकता यानी कि निरंतर सक्रिय रहना क्रियाशील रहना ही व्यक्तित्व का सबसे अच्छा लक्षण है सबसे बड़ा लक्षण है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व
कौन है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं कौन है दोस्तों? पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम तथा वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट सबसे बड़ा कारक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, एक बार भी मिस नहीं हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किसने दिया है? इस परिभाषा को दिया है बोटिंग ने। क्या कि वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, तो इस परिभाषा को किसने दिया है? बोटिंग ने। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है दोस्तों? यह सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, तो शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो यह व्यवहार जो है शिक्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने को बॉडी टाइप यानी शरीर के प्रकार के लिए अग्रणी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? क्रेस्मर को। क्रेस्मर ने कितने बॉडी टाइप बताया है? इन्होंने बताया है पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्मर के बॉडी टाइप प्रकारों को लिखिए। तो क्रेस्मर ने चार प्रकार में बताया है दोस्तों, मुख्य रूप से तीन, बट जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं उसको डायस्प्लास्टिक एक चौथा में बांटा है। तो पहला है पिकनिक, ठीक है, पिकनिक यानी कि गोल काय शरीर जिसमें वसा युक्त शरीर होता है, और ये क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं यानी कि बहिर्मुखी होते हैं, ज्यादा खाने वाले होते हैं, और ज्यादा मोटा शरीर होने से या कुश्ती आदि खेलों में ज्यादा ये होते हैं, फैट बॉडी मास वाले होते हैं। एंड दूसरा होता है एथलेटिक, एथलेटिक वाले क्या होते हैं, ए मजबूत शरीर वाले होते हैं। एंड एस्थेनिक वाले क्या होते हैं, यह पतले दुबले होते हैं जिसको ये ज्यादातर दौड़ में क्रियाओं में अच्छे होते हैं, और इंट्रोवर्ट प्रकृति के होते हैं यानी कि अंतर्मुखी प्रकृति के। और जो डायस्प्लास्टिक होता है, जो इन तीनों का गुण पाया जाता है, वो डायस्प्लास्टिक में आ जाता है। नेक्स्ट है, सेल्डन के बॉडी टाइप बताइए। तो सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बताए हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फिक मतलब गोलकाय शरीर, मेसोमॉर्फिक मतलब सुडोल का यानी कि पेशी प्रधान मजबूत शरीर, और एक्टोमर्फी मतलब अस्थि प्रधान यानी कि लीन बॉडी मास दुबला पतला शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्ले थ्योरी कितने प्रकार की है? तो एक लगभग 10 प्रकार की है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त शक्ति धारणा, अतिरिक्त शक्ति धारणा यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्पेंसर सीलर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने इस थ्योरी को दिया था, अतिरिक्त शक्ति की धारणा यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी को। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी यानी कि अतिरिक्त शक्ति की धारणा के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर। नेक्स्ट है, भविष्यदर्शी धारणा यानी एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट है, मनोरंजनात्मक धारणा यानी रिक्रिएशनल थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं जी एन डब्ल्यू पैट्रिक और लॉर्ड केम्स।
नेक्स्ट है मनः विश्लेषण धारणा यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो ये है सिगमंड फ्रायड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विरेचन धारणा यानी कैथेटिक थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है अरस्तु। नेक्स्ट है खेल जीवन धारणा यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक है जॉन डीवी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट होंगे वो भी अपने कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस से बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।